राजसपोर्ट चैनल पर हमने आपको नेट की फ्री तैयारी करना सिखाया, दसवीं से कैसे करनी है इस बारे में भी बताया, नेट की इम्पोर्टेंट बुक्स उस बारे में सिलेबस और भी बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई। और इसी में कमेंट आया है कि नेट की तैयारी 11वीं से कैसे करें, तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो नंबर वन, फैमिलियराइज योर सेल्फ विद द नेट सिलेबस। आप अभी 11वीं में आए हो तो आपको अपनी 11th की स्टडी और नीट दोनों को साथ लेकर चलना है, तो इसलिए आपको पहले नीट से फैमिलियर होना चाहिए कि नीट एग्ज़ाम क्या होती है, कैसे अटैम्प्ट करते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है और नीट कंडक्ट कैसे होती है, कैसे एक बेस्ट वे में एग्ज़ाम दिया जाता है। सारा कुछ आपको नीट की प्रिपरेशन के पहले जान लेना चाहिए। नंबर टू, स्टडी NCERT बुक्स थ्रूली। जैसे ही आप नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत से मिलेंगे कि NCERT क्यों पढ़ रहे हो, ये बुक पढ़ो, ये वाली बुक बेस्ट है नीट के लिए। लेकिन कोई कुछ भी कहे, आपको बस NCERT ही पढ़नी है जो कि 11th 12th की टेक्स्ट बुक है। कुछ भी हो, आपको पहले इन बुक्स को पूरा करना है। पहले इसमें से चैप्टर्स को ख़त्म करें, उसके बाद अदर बुक्स का यूज़ करें, लेकिन इसे पहले कम्प्लीट करें। नंबर थ्री, अवॉइड बैकलॉग्स ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। आपकी नीट की प्रिपरेशन के बीच में आपकी एक भी बैकलॉग्स या आपको फेल नहीं होना है, मीन्स आपको 11th में भी फेल नहीं होना है और 12th अगर बोर्ड एग्ज़ाम है तो यहाँ भी आपको फेल नहीं होना है। ये बात आपको याद रखनी है, नीट ज़रूरी है लेकिन साथ में 11th एंड 12th की एग्ज़ाम भी इम्पोर्टेंट है। नंबर फोर, रिवाइज व्हाट यू स्टडी। नीट की प्रिपरेशन कोई एक दिन या एक महीने का खेल नहीं है, ये पूरे 2 साल की मेहनत है, तो इसे आपको स्टेप्स बाय स्टेप फॉलो करना ही होगा। आपको पढ़ना है और उसे टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहना है ताकि आप आगे बढ़ सके, ना कि पीछे का भूल सके, तो रिवाइज करें जो भी आप पढ़ रहे हो। नंबर फाइव, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। सब कुछ करने के साथ साथ अब आपको साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते जाना है ताकि आपको पता चल सके कि नीट के पेपर कैसे होते हैं और उनमें से किस लेवल से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे भी साथ साथ में सॉल्व करें। और कमेंट करें अगर आपको कोई सवाल है तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।